तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लें। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद देखें जो राइट साइड टॉप के ऊपर थ्री डॉट है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद देखें जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है ना जीबी सेटिंग, आपने इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये देखें थोड़ा सा नीचे जो डाई थीम का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। जब डाई थीम ओपन हो जाए तो अभी आपके पास टू ऑप्शन आएंगे, होम और कन्वर्सेशन। तो जो राइट हैंड साइड के ऊपर टॉप के ऊपर कन्वर्सेशन लिखना है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो देखें सारे कन्वर्सेशन वाले ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आप इसे नीचे करते जाएं, ठीक है। अब ये देखें मार्क मैसेज जा गए, ठीक है। अब अक्सर कहते हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि हम रीसेट करना चाहते हैं। तो अगर आपका जीबी व्हाट्सएप अपडेट हुआ हुआ है ना 11.10, तो देखें उसमें अलग से रीसेट का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप रीसेट करेंगे तो जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है वो रीसेट हो जाएगी। तो अभी तो हम लोग खैर फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं। तो देखें जो पहले टाइम रिमाइंडर मैसेज, उसके साथ ये देखें नीचे कॉन्फिडेंशियल रिमाइंडर मैसेज और अदर मार्क मैसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम रिमाइंडर मैसेज। जो टाइम रिमाइंडर का बैकग्राउंड है वो ऑरेंज कर देते हैं और टेक्स्ट इसका ग्रीन कर देते हैं, ठीक। एक एक करके करेंगे ताकि समझ आ जाए। इसको प्रीव्यू करते हैं और देखें अब जो ऊपर टाइम रिमाइंडर आ रहा था जो July 10, 2019 लिखा है, उसका बैकग्राउंड देखें पिंक सा रंग का है, रेड सा, ऑरेंज सा, और जो है देखें उसके बाद जो July 10 लिखा है वो ग्रीन रंग का आ रहा है। अगर आपने इसे सेव करना है सेव कर दें, कैंसिल कर देंगे तो बैक हो जाएगा। टाइम रिमाइंडर मैसेज इसी तरह आप छोड़ दें, हम एक ही दफ़ा सेव करेंगे, उधर से अलग अलग सेव नहीं करेंगे, ठीक। अब इसी तरह जो है कॉन्फिडेंशियल रिमाइंडर मैसेज, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन हो, टेक्स्ट जो है वो इसका ऑरेंज कर देते हैं और इसका आइकन लाइट कर देते हैं। इसे प्रीव्यू करते हैं। अब ये देखें उसके जुलाई डेट के जो नीचे वाला है, देखें जो लॉक लिखा हुआ है, अगर आपने किसी को लॉक्ड किया हुआ होगा या ब्लॉक किया होगा, तो देखें इसका जो टेक्स्ट है वो आ रहा है ऑरेंज, साथ में आइकन जो है जो लॉक बना हुआ है वो आ रहा है लाइट रंग का, और बैकग्राउंड इसका ग्रीन। अब यहाँ से आप सेव ना करें, हम सबको एक साथ ही सेव करेंगे, यहाँ से फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसे भी कैंसिल कर देते हैं ताकि बैक हो जाए। ये देखें इसके भी जो है कॉन्फिडेंशियल रिमाइंडर मैसेज की भी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हो गई। अब इधर आ गया करप्शन अदर मार्क मैसेज, ठीक है। तो अदर मार्क मैसेज को भी देख लेते हैं। इसका हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड लाइट, इसका टेक्स्ट कर देते हैं ग्रीन और इसका आइकन कर देते हैं ऑरेंज। इसको कर लेते हैं प्रीव्यू। तो देखें लॉक्ड के जो नीचे वाला है ना फोन मिस, यानी कोई कॉल वगैरह मिस हो जाए, उसका बैकग्राउंड देखें लाइट है, उसका जो टेक्स्ट है वो ग्रीन है और उसका जो आइकन है वो ऑरेंज है। तो देखें ऊपर वाले तीनों की फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। अब यहाँ से भी आपने सेव नहीं करना है, इसे कर दें बैक। अब देखें ये सारी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट, अब हम इसे एक साथ कैसे सेव करेंगे। जो देखें राइट साइड टॉप के पास सेव लिखा है, आपने इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद इधर लिख दें माय थीम, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से करेंगे तो हमें तीन दफ़ा सेव करना पड़ेगा, पहले वन थीम, फिर दूसरी थीम, फिर तीसरी थीम। इसको इधर से जो है सेव कर देते हैं, तो तीनों जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। तो अब ये जो है सेव हो गई हैं। तो देखें फिलहाल तो मैंने, मेरे पास जो टाइम आ रहा है वो भी सही आ रहा है, ठीक है। बाकी जो मिस्ड कॉल वाला ऑप्शन है वो अभी मेरे पास कोई कॉल नहीं है या मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो मेरे पास शो नहीं हो रहा, खाली टाइम वाला शो हो रहा है। तो इसको आप बैक करने सेव ही रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और मेरे टेक चैनल हिंदी उर्दू अफनान टॉक्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।